तौर पे नजर है वो है सन फार्मा। जिस तरह से खबरें आ रही हैं यहाँ पर इनसाइडर के ट्रेडिंग के एलिगेशन हैं, कंपनी ने कहा है कि उनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, आप कैसे देखते हैं, क्या व्यू है आपका इस शेयर पे? देखिए प्रदीप, काफी सीरियस एलिगेशन है जो 156 पेज की जो इनसाइड जो एक विसल ब्लोअर ने सबमिट की है सेबी को, उसके ऊपर निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। और जैसे अगर पास्ट में देखते हैं, आज से साल डेढ़ दो साल पहले या साल भर पहले क्या सिचुएशन दूसरी थी, या दो साल पहले सिचुएशन दूसरी थी, ऐसी विसल ब्लोअर की रिपोर्ट्स को है क्या जो अंडर द कार्पेट फेंक दिया जाता था। लेकिन अब इवन रेगुलेटर्स जो है काफी ज्यादा चिंतित और काफी ज्यादा सचेत है, और हमने ऐसे पास्ट में इसके इंस्टेंसेस देखे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब कोई आदमी अपना इतना बड़ा ये कोई वन पेजर कंप्लेंट नहीं है, उसने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में निश्चित रूप से डिस्क्लोज किया होगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज का रिफ्लेक्शन आते हुए जरूर दिखाई देगा। और जिस हिसाब से एग्रेशन था, अगर आप क्योंकि पता नहीं कौन से पीरियड को एलेज किया, लेकिन अगर आपको याद हो तो सन फार्मा के प्रमोटरों ने पहले सुजलोन में इंटरेस्ट दिखाया या उन्होंने स्टेक लिया भी था, उसके बाद में जो है जेपी इंफ्रा में। तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी के कोई भी फंड यूटिलाइजेशन या कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर कोई इशू झलकता है तो इसका काफी बुरा रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मार्केट ऐसी रिपोर्ट्स को काफी नेगेटिव लेता है। तो ऐसे में अगर किसी के पास भी शेयर हो तो फार्मा में आपके पास काफी अच्छी चॉइस है। वैसे सन फार्मा पे हम लोगों का एक पॉजिटिव व्यू था, जो सिलेक्ट 4 या 5 स्टॉक्स है सन फार्मा में, फार्मा सेक्टर में, उसमें एक सन फार्मा भी हुआ करता था। लेकिन जब से न्यूज आई है परसों जो बाजार के बंद होने के बाद में, तो काफी ज्यादा कॉशन है। और मेरी एडवाइस होगी कि फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आप इस स्टॉक से निकले तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके अनसर्टेनिटी आपको कितना डैमेज करेगी कहना मुश्किल है। तो तुलसिया साहब, स्पार्क पर भी असर देखने को मिलना चाहिए, प्रमोटर की ग्रुप की वो कंपनी भी है, क्या वहां पर भी थोड़ा दबाव बनेगा? देखिए स्पार्क में हेमंत तो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उनका आप देखो तो उनका एक जो स्ट्रॉडर कंपनी से उन्होंने टाइप किया है वो एक रिसर्च के ऊपर, मेरे हिसाब से वो खैर उसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आज उन्होंने सुबह जो प्रेस रिलीज की है। लेकिन उसके अलावा भी स्पार्क में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप सन फार्मा पे नेगेटिव कॉल ले रहे हैं, बेटर आप स्पार्क पे से भी निकल जाए और दूसरे फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा बेटर जो माहौल बनता जाए, अरविंदो फार्मा हो या फिर बायोकॉन हो, जो दो है ये काफी प्राइम पिक दिखाई देते हैं। अगर तीसरा कोई स्टॉक ऐड करना हो तो डीबी स्लैब और चौथा ग्लेनमार्क, ये 4 चॉइसेस जो है फार्मा सेक्टर में हमारा एक जो है प्रेफरेंस रहेगा बाइंग के लिए।